हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल लिस्ट अपडेट हो गई है। अब इस लिस्ट को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है कि ये लिस्ट जो है इसमें उन कैंडिडेट्स का भी नाम है जो मेडिकली अनफिट हो गए। देखिए, मेडिकली अनफिट हो गए उनका इसलिए नाम है यहाँ पे कि ये लिस्ट जो अपडेट हुआ है ये लिस्ट उन कैंडिडेट्स का है जो फिजिकल क्वालिफाई हुए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं यहाँ पर उनका सबका नाम। मेडिकल में आप फिट हैं तो आप भर्ती हैं, ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट मेडिकल में फिट हैं वो सब भर्ती। मेडिकल में अनफिट होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका इसमें नाम नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इस लिस्ट में नाम उन कैंडिडेट्स का क्यों है जो मेडिकल अनफिट हो गए। अब एक कैंडिडेट आज जानना चाह रहे थे कि मेरा अम्बिलिकल हार्निया में मुझे अनफिट कर दिया, उसके बावजूद मेरा इसमें नाम है। सभी का नाम, जो भी कैंडिडेट, चाहे वो कलर विजन में अनफिट हुआ है, चाहे टैटू में अनफिट हुआ है, चाहे ओवरवेट में अनफिट हुआ है, और अनफिट आप खुद मेडिकल सेंटर पर उपस्थित थे, आपको पता है री मेडिकल मिला, री मेडिकल में एक दिन दो दिन बाद में उनको अनफिट कर दिया गया और री मेडिकल का जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट में आपका नाम है, आप अनफिट हो गए तो देखिए आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। आप रिजल्ट मेडिकल आप फिट हो गए हैं, आप भर्ती प्रक्रिया में आप शामिल हैं। आप जितने कैंडिडेट्स को उनको लेना है उतना ही, लगभग उतना भी नहीं हुआ है, ये समझिए कि उससे कम ही कैंडिडेट मेडिकली क्वालिफाइड हुए हैं। तो जो मेडिकल क्वालिफाइड हैं उसमें हम यदि जनरल कैटेगरी को छोड़ दें या फीमेल कैंडिडेट्स हो सकता है कुछ ज़्यादा हों वो भी जनरल कैटेगरी में, बाकी ये माना जा रहा है कि SC ST कैटेगरी जो है या रिजर्व कैटेगरी की बात करें उसमें तो वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई है। तो वैकेंसी पूरी नहीं हुई तो जो रिजर्व पैनल दिल्ली पुलिस का रिजर्व पैनल बनता है और रिजर्व पुलिस जो रिजर्व पैनल को मेंटेन करने का काम दिल्ली पुलिस का है, तो उन कैंडिडेट्स का फिर फिजिकल मेजरमेंट डॉक्यूमेंट ये सब उनका होगा। तो आप देखिए जो कट ऑफ है, कट ऑफ के आप कहीं आसपास पहुंच रहे हैं और आपका नाम नहीं आया था लिस्ट में, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, मेडिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए कि आपके चांसेस बन जाते हैं। कि जहां दूसरे CAPF में किसी तरह का वेटिंग लिस्ट नहीं आता वैसा नहीं है, दिल्ली पुलिस में रिजर्व पैनल के लिए पहले से नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है कि एक रिजर्व पैनल तैयार किया जाएगा और रिजर्व पैनल पहले भी तैयार होता रहा है। तो जो कैंडिडेट्स देखें मेडिकल ही अनफिट हो गए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको और अच्छा मौका आगे मिलेगा। जो फिट हो गए हैं वो अपने तैयारी रखें, ऑलमोस्ट जो फिट हैं उनको लगभग ज्वाइनिंग पक्की है उनकी। और कुछ ऐसा कैटेगरी मान लीजिए जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो उसमें हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं मेरिट में वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है बाहर होने के। और जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन से छूटे हुए हैं तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल में टाइम नहीं मिला था इसलिए कैंडिडेट्स फिजिकल में ज़्यादा बाहर हो गए और मेडिकल में फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और जो लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि लिस्ट में उन कैंडिडेट्स का नाम इसलिए है जो मेडिकली अनफिट हो गए कि ये लिस्ट उन कैंडिडेट्स का है जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया। और मेडिकल के लिए आपको तुरंत ही आपको CAPF का हॉस्पिटल अलॉट कर दिया कि आप फला डेट को फला हॉस्पिटल में आप जाके रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि पहले अपेक्षाएं की जा रही थी कि ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर एक लिस्ट निकाली जाएगी मेडिकल के लिए, लेकिन कैंडिडेट ही इतने क्वालिफाई हुए कि सबका मेडिकल हो गया। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेडिकल में अनफिट हो गए हैं या फिजिकल में अनफिट हो गए थे, कोई भी ऐसा इशू है तो देखिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कैंडिडेट का आज हमें ऐसा भी मैसेज मिला था जो PSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो गए, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन में दो नंबर से बाहर हो गए और दिल्ली पुलिस में फाइनल सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जो होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है और आगे आपको और बेहतर मिलेगा। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।